जब पैसे धन संपत्ति की बात आती है तो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी रिच डैड पुअर डैड का नाम जरूर सुना होगा। हाँ, ये एक ऐसी पुस्तक है जो बहुत ही फेमस है, बेस्ट सेलर बुक है, और ऐसा माना जाता है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लोगों में एक अलग तरह की तन्मयता आ जाती है पैसा कमाने के बारे में और बुद्धि विकसित हो जाती है। इसके लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी बेसिकली उन्होंने अपने लाइफ पे एक्सपेरिमेंट किए और अपनी लाइफ में जो कुछ सीखा है उसको किताब में लिखने की कोशिश करी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की पुस्तक इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू के बारे में। इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू यानी कि वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने के तरीके में उन्होंने बहुत सारी चीजों की बात करी है, व्याख्यान किया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि बेसिकली धन कमाना एक कला तो है बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर वित्तीय बुद्धि हो, फाइनेंशियल आईक्यू हो, ताकि धन को हम बना सके और अमीर बन सके। अमीर बनने के बारे में वैसे बहुत सारी चर्चाएं हमने सुनी होंगी, जैसे कि लाइफ में कहीं ना कहीं कहानी सुनी होगी कि किसी को अचानक बहुत सारा पैसा मिल गया, वो अमीर बन गया, लॉटरी मिल गई, लॉटरी लग गई जिसकी वजह से करोड़ों रुपए उसको मिल गए। कोई कौन बनेगा करोड़पति में चला गया, केबीसी खेल के करोड़ रुपए कमा के आ गया, लेकिन अगले 2-3 साल में उसने सारे पैसे लॉस कर दिए। तो पैसा कमाना या पैसा पाना और उसको बनाना, इसके लिए एक बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। वित्तीय बुद्धि बेसिकली हमारी जो मानसिक बुद्धि है, बेसिक बुद्धि है, उसका एक सब सब पार्ट है, सबसेट है, जो कि आइडियली कहीं पढ़ाई नहीं जाती, ना ही हमारे स्कूल कॉलेज में से पढ़ाया जाता है, ना ही यूनिवर्सिटीज में इसकी पढ़ाई होती है। इवन इफ आप MBAs कर रहे हो, फाइनेंस में सीखने की कोशिश कर रहे हो, उसमें दूसरे लेवल की मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखाई जाती है, जहाँ पे आप मैनेज करते हो कैसे बिजनेस को, उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन ये फाइनेंशियल बुद्धि या फाइनेंशियल बेसिकली IQ जिसको बोलेंगे, वो कहाँ से पाए, इसके बारे में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो ये सारी चीजें आज की डेट में जो कुछ भी हमने सीखी हैं, पढ़ी हैं, वो किसी न किसी की हेल्प से पढ़ी है। जो दुनिया के मिलियनेयर्स हैं, दुनिया के जो बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने एम्पायर खड़ा किया है और उन्होंने अपने किसी इंटरव्यूज में कुछ बोला है, उसमें से कुछ लेखक हैं उन्होंने कुछ बोला है, तो उससे हमने सीखी है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने किस प्रकार अपने जीवन में पैसों को बनाया और उसके लिए उन्होंने किन फाइनेंशियल बुद्धियों का इस्तेमाल करा। इससे पहले कि हम इसे विस्तार से चर्चा करें, मैं उनके द्वारा दिए गए एक एग्जांपल के बारे में बात करना चाहूंगा। वित्तीय बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो आपकी समस्याओं को समाधान करने में हेल्प करता है। जैसे समस्याएं क्या हो सकती हैं, आम आदमी के जीवन में पैसे की क्या समस्या होती है, जैसे कि वो ठीक से कमा नहीं पा रहा, कमा तो पा रहा है, उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, अपनी घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, उसे कार घर कुछ चीजें खरीदने की जरूरत है वो खरीद नहीं पा रहा, उसको चाहिए कि वो अपने जीवन में धन संपत्ति बनाए, लोगों को अपने से जोड़े, अधिक से अधिक अच्छा जीवन व्यतीत करे, वो कर नहीं पा रहा है, अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहा है स्कूल की, छोटे मोटे काम करने के लिए उसने लोन ले रखे हैं, लोन का बकाया चुकाया नहीं जा रहा है, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है। ये आम लोगों के जीवन की नॉर्मल समस्या है। तो फाइनेंशियल समस्या यानी कि वित्तीय समस्या हर किसी के जीवन में है। दो तरह की समस्याएं होती है, एक गरीब लोगों की समस्या, दूसरी अमीर लोगों की समस्या। आखिर पैसे की समस्या हर किसी की है, ऐसा उन्होंने इस पुस्तक में बताया है। जो गरीब होते हैं उनकी समस्या ऐसी होती है, जो अमीर होते हैं उनकी दूसरी तरह की समस्या होती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल IQs होने चाहिए, वित्तीय बुद्धि होनी चाहिए, और उन वित्तीय बुद्धि को उन्होंने 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी है धन का कमाना, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, कुछ ना कुछ तो धन कमाने के साधन होते हैं उनके पास, या तो वो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, या लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे वो धन कमाते हैं। तो ये तो है हर किसी के लाइफ में। दूसरी वित्तीय बुद्धि के बारे में यानी कि फाइनेंशियल IQ के बारे में वो कहते हैं कि धन की रक्षा करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। धन की रक्षा करने का मतलब क्या है, आपके पास पैसे आ गए, अब आप उसको सहेज के नहीं रख पा रहे हैं, संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, कोई भी आके लूट के ले जा रहा है, वो लूटने वाला कौन हो सकता है, एक तो डाकू हो ही सकता है, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत तरह के लूटे हुए हैं, कोई आपसे पैसे उधार लेके चला जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है, मान लीजिए किसी ने कुछ ऐसे प्लान आपको बता दीजिए जिसमें आप बहुत कुछ पैसा बनाने वाले हो लेकिन वो बनता नहीं है, तो ये सब धन की रक्षा के अंतर्गत आता है। तीसरी फाइनेंशियल बुद्धि यानी कि वित्तीय बुद्धि यानी कि फाइनेंशियल IQ की बात की जाए तो वो होती है बजट। बजट यानी कि खर्च और आय का विवरण, आप कितनी आय करते हो और कितना खर्च करते हो, इसका विवरण, एक बैलेंस शीट होनी चाहिए। इसकी हम विस्तार से आगे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में और सबसेट सीरीज में। अब मैं वापस से आ गया हूँ अपनी पूरी
ताकत के साथ आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करने के लिए जो बड़े महान लोगों ने शेयर किया है, किसी ने किस किताब में, किसी ने किसी इंटरव्यू में, और उन चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर आप कहीं उन चीजों को नहीं देख पाए हैं। तो तीसरी फाइनेंशियल बुद्धि उन्होंने कही है कि आपके पास एक बैलेंस शीट होनी चाहिए। हम जानते हैं कि कैसे हमें हमारे पास लेखा जोखा होना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, डेटा होना एक अलग बात है और उस डेटा को पढ़ के रीड करके उससे इनपुट लेना एक अलग बात है। हो सकता है कि फाइनेंशियल शीट आपके पास हो, बैलेंस शीट मैनेज करते हो, लेकिन उस बैलेंस शीट को मैनेज करने के बाद भी आप उसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल आईक्यू। फोर्थ फाइनेंशियल आईक्यू के बारे में रॉबर्ट कहते हैं वो है लिवर्जिंग ऑफ योर मनी। बेसिकली आपके पास जो मनी है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना, इस तरीके से निवेश करना, या ऐसी जगह पे लगाना जहां से वो धन आपको बना के दे, पैसे से पैसा कमाना बेसिकली। अब ये वर्ड आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस वर्ड को यूज करते हैं कि पैसे से पैसा कमाना धन की बुद्धि में से एक आता है, लेकिन वो एक आर्ट है, वो एक कला है, एक स्किल है जो आपको सीखनी होती है। ये अगेन जैसा कि मैंने पहले बात करी, ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, हम अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, या फिर ऐसे विचारक जिन्होंने वास्तव में अपने जीवन में धन कमाया है और वो अपने किताबों के थ्रू, अपने इंटरव्यूज के थ्रू हमें शेयर कर रहे हैं। एंड द फिफ्थ फाइनेंशियल आईक्यू ही शेयर्स इज बेसिकली द नॉलेज ऑफ मनी, द मैनेजमेंट ऑफ द मनी, और आइडियली यू शुड हैव, आपके पास एक ऐसा वित्तीय सलाहकार होना चाहिए जो आपकी मनी के बारे में आपको सही से समझा सके कि आपका पैसा किस तरीके से आ रहा है, आप किस तरह से खर्च कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ से वो बन रहा है। जरूरी नहीं कि जीवन में हर कुछ आपको पहले से आता हो। उसके लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अगर मुझे घर बनाना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर बनाना खुद सीखूं और खुद ईंटें लगाऊं। नहीं, उसके लिए राजमिस्त्री होते हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे देख के वो काम करवाते हैं। ठीक उसी तरीके से जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती जो हमें नहीं आती है और वो फाइनेंशियल चीजें होती हैं, उसके लिए क्या हम एडवाइजर नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। हम अपनी सेहत के लिए एडवाइजर लेते हैं, हम अपने बाकी चीजों के लिए एडवाइजर लेते हैं, तो अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को एनहांस करने के लिए हम एडवाइजर को यूटिलाइज क्यों ना करें? तो ये उनका कहना है। तो अब चूंकि हमने अपने सेहत की बात करी है, तो फाइनेंशियल आईक्यू के बारे में एक एग्जांपल देते हुए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि वित्तीय वृद्धि एक ऐसी चीज है जिसको अगर समय रहते ना सीखा जाए, या पैसे की समस्या को समय रहते ना सुलझाया जाए, तो ये लंबे समय में आपको परेशान करती है, और ना केवल परेशान करती है और ज्यादा गहरे वित्तीय समस्या में धकेल देती है। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, मान लीजिए आपको दांत में दर्द है। अब दांत में दर्द होने से क्या हो सकता है? दांत में अगर आपके दर्द है तो उस दर्द की वजह से आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। काम करने में मन नहीं लगेगा तो आप ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आप फोकस नहीं कर पाते हैं तो लंबे समय में वो आपके ऑफिशियल वर्क जो आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उसमें इम्पैक्ट करेगा। अगर उसमें इम्पैक्ट करता है तो आपको सैलरी या वो बिजनेस ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपकी सैलरी नहीं आएगी तो आप घर नहीं चला पाएंगे, अपने किराए नहीं भर पाएंगे। अगर आपके कुछ क्रेडिट कार्ड चला रहे हैं तो आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब जीवन की जो जरूरत की चीजें आप उसको पूरी नहीं कर पाएंगे अगर आप पैसा नहीं कमाते। तो दांत की छोटी सी समस्या एक बड़े हेल्थ प्रॉब्लम में बदल सकता है। दांतों में आने वाले कीटाणु पेट के अंदर जाने के बाद दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। तो ये छोटी सी समस्या जिसे अगर इग्नोर कर दिया जाए या समय रहते ना सॉल्व किया जाए तो एक बड़ी समस्या के रूप में उभर के आ सकता है। तो ये थोड़े अजीबोगरीब एग्जांपल तो हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये एग्जांपल रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको समय रहते ना सुलझाएं तो हमें बड़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो वापस चलते हैं, जैसा कि रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि वित्तीय समस्या एक ऐसी समस्या है जो हर किसी की लाइफ में है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। गरीब लोगों की क्या समस्या है? वो पैसे ठीक से नहीं कमा रहा, जीवन में पर्याप्त चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा है, जो पर्याप्त चीजें उसके जीवन में चाहिए उसके लिए किसी से कर्ज लेना पड़ रहा है। चौथी चीज हो सकती है, वो ज्यादा कमाता है और ज्यादा टैक्स भरता है। पांचवी चीज हो सकती है आपातकालीन परिस्थिति का डर, यानी कि आपातकाल अगर आ जाए, अचानक से कुछ ऐसी समस्या आ जाए जिसके लिए आपके पास पैसे नहीं है तो उसका डर होता है। छठी समस्या कि आपके पास कोई सलाह नहीं है। सलाह मतलब आपको कोई सलाह नहीं दे पा रहा है सही तरीके से कि आप अपने पैसे का प्रबंधन किस तरीके से करें। अब क्या होता है जब आप किसी से सलाह लेने जाते हैं, अगर वो खुद भी आपकी तरह ही है तो वो आपको क्या ही सलाह देगा, वो खुद भी मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो हम उनसे सलाह लेते हैं, हम अपना पैसा डुबा देते हैं। अगली समस्या हो सकती है कि रिटायरमेंट के लिए कोई प्लानर नहीं है हमारे पास।
हम जब रिटायर हो जाएंगे 50 साल 60 साल के हो जाएंगे, उस समय हमारे पास कुछ पैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे अपनी लाइफ को, अपने बच्चों के लिए क्या करने वाले हम, ये सारी समस्या होती है गरीबी की, वित्तीय समस्या। अमीर लोगों की दूसरी तरह की समस्या है। अब अमीर लोगों के पैसे की समस्या, सबसे पहली समस्या कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, अब उसको करें क्या, बहुत ज्यादा पैसे को कैसे मैनेज करें, वो एक समस्या है। दूसरी समस्या है कि धन को सुरक्षित रखने के लिए, ज्यादा पैसा आपके घर में हो जाएगा तो चोर आपके पीछे लग जाएंगे, डाकू आपके पीछे लग जाएंगे, चोर डाकू के अलावा भी और सारे लोग हैं जो आपके पीछे लग जाएंगे, अरे उसके पास बहुत पैसा है निकालो उसकी जेब से पैसा, राइट। तो ये एक समस्या, उसको कैसे सुरक्षित रखें। तीसरी समस्या उनके जीवन में होती है कि ये पता ही नहीं चलता कि आखिर लोग जो है उन्हें पसंद करते हैं या उनके पैसे को पसंद करते हैं। अच्छा, अभी जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ ये कोई मैं अपनी मर्जी से बात नहीं कर रहा हूँ, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने फाइनेंशियल आईक्यू जो बुक लिखी है, इंग्लिश और फाइनेंशियल आईक्यू, उसके अंदर से लिए गए निचोड़ के साथ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि तीसरी समस्या ये हो सकती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि लोग आपको पसंद करते हैं या आपके पैसे को पसंद करते हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि आप पैसे लेके चल रहे हो, आप धनी हो, आगे चल रहे हो तो आपके पीछे 5 लोग आएंगे, लेकिन वो आपके लिए आपके पीछे आ रहे हैं, आपके पैसे की वजह से आ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता। अगली समस्या हो सकती है कि आपके पास कोई स्मार्ट वित्तीय सलाहकार नहीं है, जैसे कि मैं गरीबी में बात करी, स्मार्ट वित्तीय सलाहकार तो है ही नहीं वहां पे, कोई सलाह देने वाला है ही नहीं। यहाँ पे सलाहकार है लेकिन क्या वो स्मार्ट है, इतना इंटेलिजेंस उसके अंदर है कि वो सही सलाह आपको दे और आपके पैसे को और बड़ा कर सके, तो वो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगली समस्या हो सकती है कि आपका परिवार है, आपकी संतान है, क्या उसकी परवरिश के लिए, उसके पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके जीवन में बड़ा करने के लिए आपने कुछ प्लान कर रखा है। आपने बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी होंगी जहां पे बहुत धनी व्यक्ति कोई था और अचानक से नेक्स्ट जनरेशन में सब कुछ खत्म हो गया, और वो खत्म होने का एकमात्र रीजन ये है कि हमने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी थी और जो उनका नेक्स्ट जनरेशन था उसको उसकी इस चीज की बुद्धि नहीं थी, तो उन्होंने वो प्लानिंग नहीं कर पाए इस चीज की, तो वहां पैसे का विघटन हो जाता है। एक पीढ़ी ने पैसा बनाया, दूसरी पीढ़ी ने इस्तेमाल किया, तीसरी पीढ़ी घड़ी, तो ऐसा भी हो जाता है। अगली समस्या है कि क्या आपको विरासत से जो पैसे मिले, जो कि मैं अभी बात कर रहा था, विरासत से जो पैसे मिले उसको आप सही तरीके से नियोजन कर पाते हैं, आप सही तरीके से यूटिलाइज कर, नियोजन और प्रबंधन ऑलमोस्ट एक दूसरे के सगे भाई हैं, तो क्या हम उसको सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं, सही जगह नियोजित कर पाते हैं, लगा पाते हैं ताकि वो सही रिटर्न दे पाए। मतलब किसी के सुनने पे कहीं भी रिटर्न ऐसा नहीं लगा देते। मतलब उन्होंने एक स्टोरी बताई कि उनके गरीब डैडी जो थे वो एक बार जब रिटायर हुए तो उनको लगा कुछ पैसा मिला, उस पैसे को उन्होंने एक दुकान में लगा दी, बहुत बहुत बड़ा वो लगा दिया, शॉप खोल लिया, वहां पे सारे पैसे लगा दिए, रेस्टोरेंट चलाया, लेकिन वो फाइनली चला नहीं और सारे पैसे डूब गए। क्यों? क्योंकि उनके पास उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था, ये लोगों के द्वारा सुनी गई सलाह पे या फिर खुद की अंदर से कहीं से आई उस सलाह के बेस पे उन्होंने बिजनेस शुरू किया, बट उनके अंदर उसकी आईक्यू नहीं थी, इंटेलिजेंस नहीं थी, वित्तीय बुद्धि नहीं थी, मैनेज नहीं कर पाए, वो डूब गए। तो ये पैसे होने वालों, जिनके पास पैसे होते हैं उनकी भी एक समस्या होती है कि जिनके पास ज्यादा पैसे हैं अमीर हैं उनकी ये वित्तीय समस्या है। अगली समस्या है कि आपको पैसे तो मिल रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा पार्ट, आपको पैसे तो मिल रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा पार्ट गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले लेती है, तो आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें कि कम से कम टैक्स देना पड़े, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से वो पैसे कमाए हैं और उस कड़ी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले लेती है। काम आप कर रहे हो, टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। अब मैं टैक्स के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि गवर्नमेंट चलाने के लिए टैक्सेस तो चाहिए, अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगी तो कैसे गवर्नमेंट चलेगी, कैसे देश की चीजें चलेंगी। आज के दिन में सड़कें बनती है उसके लिए पैसा कहां से आएगा, नल पानी के लिए आ रहा है उसके लिए पैसा कहां से आएगा, बिजली के लिए पैसा कहां से आएगा। ऐसा नहीं कि बिजली से पैसा मीटर से जो आता है उसी पैसे से बिजली चलती है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा होता है, वो कहां से आएगा। तो चीजें हैं जहां पर सरकारी सहायता की जरूरत होती है और वो टैक्स से पूरी होती है, मैं टैक्स के खिलाफ नहीं। एट द सेम टाइम अगर आप पैसा कमाते हैं, आप मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे का मैनेजमेंट इस तरीके से करें कि कम से कम टैक्स देना पड़े, तो उसके लिए आपके पास उचित सलाहकार होना चाहिए। तो ये समस्याएं हैं पैसों की समस्या, गरीबों की अलग पैसों की समस्या है, अमीरों की अलग पैसे की समस्या है। तो इस समस्या को अगर दूर करना है तो आपके पास फाइनेंशियल आईक्यू होनी चाहिए, और वो फाइनेंशियल आईक्यू क्या है, पहला धन कमाना, दूसरा धन की रक्षा करना, तीसरा बजट बनाना मतलब कि आय व्यय का हिसाब होना, चौथा लिवरेजिंग यानी कि पैसे को ठीक तरीके से मैनेज करना, सही जगह पर निवेश करना, एंड पांचवा नॉलेज, और या तो आपके पास खुद का नॉलेज हो या फिर सही वित्तीय सलाहकार आपके पास। तो ये 5 बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन 5 बुद्धि को अगर आप विस्तार में जानना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो में आइए, उस अगले वीडियो में मैं इन 5 बुद्धियों को अलग अलग करके बारी बारी से इस पर डिस्कस करने वाला हूँ।
पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो मेरा एक लाइक कम हो जाएगा। जी हाँ, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।